अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। क्या दंगल 2 में दिखाई जाएगी महावीर फोगाट की बेटियों की जिंदगी? रितेश तिवारी ने क्या कहा है दंगल 2 की स्टोरी को लेकर? दंगल 2 की कैसी होगी कहानी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। 70 करोड़ के बजट में बनी दंगल ने बॉक्स ऑफिस पर 2044 करोड़ की बेहतरीन कलेक्शन करके बॉलीवुड की टॉप 20 फिल्मों में अपना नाम तो दर्ज कर ही लिया है और अब डायरेक्टर नितेश तिवारी को दंगल 2 के लिए एक परफेक्ट स्क्रिप्ट की तलाश है। गीता फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया है। दंगल में गीता का किरदार जायरा वसीम और फातिमा सना शेख ने निभाया है। ऑडियंस ने इन दोनों जायरा और फातिमा के रोल्स को काफी पसंद किया। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि दंगल 2 के लिए उन्हें बस एक परफेक्ट स्क्रिप्ट की तलाश है और स्क्रिप्ट मिलते ही वो इस मूवी पर काम शुरू कर देंगे। दंगल को अपने में एक कंप्लीट स्टोरी माना गया है और दंगल 2 गीता या बबीता फोगाट की स्टोरी होगी इस बात की चांसेस काफी कम है, क्योंकि शायद अब इस स्क्रिप्ट में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ ना मिले। खैर, हो भी सकता है नितेश इसमें से भी ऑडियंस के लिए कुछ ढूंढ ही निकाले, मगर दंगल 2 की स्टोरी भी किसी स्पोर्ट आइकन पर ही होगी, क्योंकि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन दंगल के सीक्वल से कुछ ऐसी ही है। दंगल 2 पर काम 2024 के एंड में शुरू किया जा सकता है और ये मूवी 2025 में रिलीज हो सकती है। आपको बता दें कि अभी आमिर खान बिजी है अपनी अपकमिंग मूवी लाल सिंह चड्ढा में, जिसमें उनके ऑपोजिट करीना कपूर नजर आएंगी और इस मूवी की रिलीज डेट 11 अगस्त 2022 अनाउंस की गई है। अब देखना यह है कि इंडिपेंडेंस पर रिलीज होने वाली आमिर खान की इस मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी होती है और इस मूवी में मिस्टर परफेक्ट और बेबो की इस जोड़ी को ऑडियंस कितना पसंद करती है। क्या आपको भी दंगल 2 का इंतजार है? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।